सिवनी में एकल अभियान द्वारा ग्राम हतनापुर में नशा मुक्ति और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कोतवाली थाना प्रभारी एमडी नांगोतिया, लखनवाड़ा थाना प्रभारी डीएस उइके, एसडीओपी पारुल शर्मा ने गांव के लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। गरीबों को गर्म कपड़े बांटे गए, दिव्यांग आचार्य को 51,000 की राशि देने और जरूरतमंदों की मदद की घोषणा की। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। एकल अभियान प्रमुख दुर्गा प्रसाद कटरे, आचार्य राहुल, शिव नारायण, रामफल वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। सब अंचल सिवनी सतपुड़ा भाग के संच मुगवानी के विद्यालय ग्राम हतनापुर में गो अष्टमी 22 तारीख से नशा मुक्ति अभियान एकल विद्यालय के माध्यम से निरंतर चल रहा है। इस गांव में 25 लोगों ने संकल्प लिया है कि आज से हम शराब को नहीं छुएंगे और प्रतिदिन शाम को सामूहिक भारत माता की आरती करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं। आज का ये विशाल कार्यक्रम था, ठंडी के वस्त्र कंबल वितरण कार्यक्रम। आज कलेक्टर महोदय जी, एसपी महोदय जी का आना यहाँ पर निश्चित था, लेकिन कारणवश यहाँ पर नहीं आए। लेकिन अति पुलिस अधीक्षक महोदय जी माननीय एमडी नागोतिया जी के द्वारा यहाँ के वृद्धा और गरीबों को कंबल वितरण किए लगभग 300 लोगों के नाम हैं और समस्त ग्रामवासियों की बार बार आशा है कि ये हमारा संपूर्ण गांव ग्राम संगठित है, नशा मुक्त है। इस गांव में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी सिंह चौहान जी के लिए आने के लिए सभी ने आवेदन को लगाया है। आप सभी को जय श्री राम। दौरान के संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश किया कि ग्राम में कोई सैनिक होगा उसका सम्मान नगरों में होता है, उसका सम्मान क्यों गांव में नहीं हो सकता। तो एकल अभियान ने जब सैनिक गांव आता है तो उसकी अगवानी की जाए, जब सैनिक घर से जब ड्यूटी में जाता है तो समस्त ग्रामवासी मिलकर के, माताओं बहनों मिलकर के उसको आशीर्वाद दें और उसकी विदाई करें और उनके परिवार वालों का भी स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। ये अभियान के तहत चल रहा है एकल अभियान के। अभियान हतनापुर में एक विशेष अभियान चलाया गया है नशा मुक्ति, जिसके तहत आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है आपके सहयोग से, इसमें आपके ग्रामवासियों से सहयोग है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बहुत अच्छी पहल है, समस्त ग्रामवासी करके समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त शासकीय सेवक और जो ग्राम के रहवासी है सभी ने मिलकर के एक अच्छी पहल करी है और प्रशासन और ग्रामवासियों के सहयोग से ये गाँव नशा मुक्त की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खास करके जो अपराध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, महिलाएं परेशान होती हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं, तो ये निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी। सर, अभी तक इस गांव में कितने लोगों ने नशा मुक्त से मतलब छोड़ने का प्रतिज्ञा ले चुके हैं? अभी पिछले 22 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें लगभग 21-25 लोगों ने शपथ ली थी और उसी प्रेरणा स्वरूप आज ये पूरा गाँव नशा के खिलाफ इकट्ठा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।